नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए स्टडी व्लॉग में। नहीं, व्लॉग नहीं है ये, स्टडी व्लॉग नहीं है, व्लॉग है। और फिलहाल आज का दिन मेरा थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि अपने कमरे की मैं सफाई करने वाली हूँ। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मतलब महीनों से मैंने अपने कमरे की प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं की है, तो वही सफाई मुझे आज करनी है। अब मेनली रैक मेरा मुझे अरेंज करना है, जो बुक्स सेल्फ है उसको, और इधर टेबल का भी थोड़ा सा मैं लुक चेंज करूँगी। उस पर मैंने पेपर वगैरह लगा रखा है, तो उसको मैं चेंज करूँगी। और स्टडी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स के लाइफ में, तो वही है आज। और जब से मैं घर से आई हूँ, अपने कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोए हैं, तो आज उसी का दिन है। और ये दिन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे पास मेरी बहन भी आई हुई है छोटी सी, तो प्रॉपर स्टडी नहीं होगी, इसीलिए मैंने ये दिन चुना कि क्लीनिंग के साथ साथ मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लूँगी। और आपका परिचय करा दूं? नहीं, रहने देते हैं, वो परिचय अपना खुद ही करवाएंगी बाद में। ये प्याज का कमाल है, मेरा नहीं। तो अभी खाना बनाने जा रही हूं मैं, और कुछ तो स्पेशल बनेगा आज। इतर होने के बाद बहुत कुछ अच्छा होता ये है। हम काटे हैं। झूठे, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं दिख रहा है। चलो, और अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन। ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है ये, और बहुत पुरानी टेस्ट सीरीज है, तो इसको मुझे अब हटाना है रूम से। तो इसीलिए बस मैं सोची कि एक बार रिवाइज करके ही इसको हटाऊँ रूम से। और बाकी साथ साथ में मेरा नोट्स भी चल ही रहा है, जो रिवाइज करती हूँ इस पर लिखते जाती हूँ। पता नहीं कितनी बार लिखा है मैंने। खैर, यहाँ पर कोई तो लेटा हुआ और ये जब से मेरे रूम पर आई है तब से ऐसे ही इसका ये कुंभकर्ण की, मतलब क्या ही बोलूं, कुंभकर्ण ही बन गई है। नहीं नहीं, कुंभकर्ण की बहन बनो तो तुम कुंभकर्ण ही बन गए हो, है ना? गया। ओके, तो बस यही है फिलहाल कि रिवीजन चल रहा है टेस्ट सीरीज का, और आज कोई टू डू लिस्ट नहीं था। बस यही था मेनली कि बाकी टेस्ट सीरीज का रिवीजन करना है, और आंसर राइटिंग तो हो ही गई है मेरी। तो अभी तो 9 बज गए हैं रात के, और आज की प्लानिंग है कि मैं सैम बहादुर जो मूवी आई है विकी कौशल की, तो वो देखूं। और वैसे देखना मुझे एनिमल भी है, बहुत चर्चाएं हुई है उस मूवी की, तो वो भी देखना है। तो देखती हूँ कब मैं देखूँगी एनिमल, ऐसा कब टाइम आता है। खैर, आप लोगों में से किन लोगों ने देखा है इस मूवी को, एनिमल मूवी को, और क्या राय रही आपकी उसके बारे में? अच्छा, आपने देख लिया मैम? नहीं, बस वाह, ट्रेलर देखे मतलब ट्रेलर तो हम भी देखे हैं। थे। बस मेरी रूममेट देखी, बोली अच्छा मूवी नहीं है। तो अच्छा, आप लोगों मैं की क्या राय है एनिमल मूवी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं एक्सरसाइज करना भी शुरू की हूँ, और ये क्लिपिंग तभी का है जब मैं बाहर गई थी, तो 1 से 2 दिन अभी हुआ है मेरे अब मैं आ गई एक्सरसाइज हूँ का। अपने रूम पे, और फिलहाल जो मेरा काम था यानी टेस्ट सीरीज को साइड करने का, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं पढ़ने बैठी तो एक एक क्वेश्चन ही पढ़ने लग गई, और उसमें तो टाइम लग गया। और ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं जिसको कि एक बार पढ़ने के बाद अगर मैं साइड करूँ तो कम से कम 2-3 दिन लगेगा ही। तो इसको मैं हाफ सेक्शन में बांटूंगी कि एक टाइम मैं बाकी चीज़ें पढ़ूँ जो मुझे पढ़ना है, और आधे टाइम में इस टेस्ट सीरीज़ का रिविज़न करूँ। तो फिलहाल मैं अभी आई हूँ एक्सरसाइज करके, आज से मैंने एक्सरसाइज भी शुरू किया है। बहुत सारे चेंजेस लाने हैं मुझे खुद में, तो देखती हूँ कब तक मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँगी एक्सरसाइज। कभी ढंग से मैंने किया नहीं है, वैसे करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, पता सभी को होता है, कर बहुत कम लोग पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनके लिए सैल्यूट है भाई। और फिलहाल तो मैं थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, रेस्ट लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, कुछ फल लेना है मुझे, और फिर कुछ खाने पीने का सामान भी लेना है। और लाइब्रेरी में मैंने अपना एक चेयर सीटर छोड़ दिया है, बहुत टाइम हो गया उसको, तो पता नहीं कब से ही छोड़ा हुआ है मैंने। तो देखती हूँ आज वहाँ जाके कि वो अवेलेबल है या फिर कहीं गुम हो गया। अगर वो मिल गया तो मैं ले आऊँगी, नहीं तो एक तो और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वैसे उसका स्पंज ख़राब ही हो गया इसीलिए मैंने नया लिया था। तो अभी जाके मैं देखती हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट और लाइब्रेरी, तो मिलती हूँ बाहर ही आपसे। और उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा आपको, स्टडी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इंजॉय किया कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरा, बाकी व्लॉग आप लोग नहीं देखते हैं ना, तो वो भी देखना चाहिए। खैर, अभी मिलते हैं। ये लाइट के कारण आंसू आ रहा है, मेरी आंखों की समस्या पता नहीं क्या ही है ये। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, है ना?
और बाहर जाने से पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ शॉल, जो कि मैं मम्मी का शॉल लेके आ गई हूँ इस बार। इस बार क्या, हर बार ही जाती हूँ और हर बार नए नए शॉल उठा कर ले आती हूँ। मम्मी के पास इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं कि मुझे लगता है इतना कुछ सीखने में पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं मुझे। खैर, उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर कुछ कुत्ते के बच्चे भी खेल रहे थे, कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले भी खेल रहे थे, तो उनको मतलब मैंने थोड़ा बहुत दौड़ाया। और बाकी उनके मम्मी पापा से तो डर लगता ही है, लेकिन दिल्ली में ये खासियत है कि यहाँ पे कुत्ते अपने आप को मतलब इलाके का डॉन समझते हैं, पता नहीं क्या। ये एक तो वो आपको खदेड़ देंगे, दूसरी बात कि वो कभी भी किसी के भी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और ऐसे बैठते जैसे वो उनका सिंहासन हो, और देख के अच्छा भी लगता है और ठीक है। लेकिन जिनकी अपनी गाड़ी होती है उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। और बाकी यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी बाहर कैमरा जब मैंने ऑन किया, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ पाया क्योंकि बाहर शोर बहुत था। और कुत्तों की हठ धर्मी या फिर नवाबी की लाइव एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया। ये बीच सड़क में वहाँ से ये बैठे हुए थे, इन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि सड़क किधर जा रही है, गाड़ी किधर से आएगी, लोग किधर से जाएंगे। खैर, उसके बाद मैं आगे बढ़ी और यहाँ से लिया मैंने कुछ मिठाई, और उसके बाद फिर फ्रूट्स भी लिया था मैंने, जिससे कि मैं रूम पे आके फिर फ्रूट्स सैलड बोलूँ या फ्रूट चाट जो भी बोल ले वो बनाया मैंने। तो अभी आ गई मैं मार्केट से और ये सारी सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ अपने साथ। और बाहर ठंड तो है, दिल्ली की सर्दी फेमस है ठंड के लिए, लेकिन एक अंतर है दिल्ली और बिहार की सर्दी में कि दिल्ली की सर्दी आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन बिहार में इंजॉय नहीं करते, वो सीधे जान पे हमला करता है। यहाँ मैं बिना कैप, बिना टोपी, बिना किसी मफलर के बाहर घूम सकती हूँ। अभी बिना मफलर के गई थी, शॉल वगैरह तो था लेकिन बिना मफलर के मैं गई थी। अच्छा लग रहा है, मतलब फेस पे जब ठंडी ठंडी हवा आती है या फिर वो फील होता है ठंडक, तो अच्छा लगता है। लेकिन बिहार में जब मैं घर पे थी, रजाई से निकल ही नहीं रही थी, खाना खाया सीधे रजाई में, वॉशरूम से आई फिर रजाई में, नहाए फिर रजाई में, बस यही था। मतलब ठंड एक्सट्रीम लेवल पे है बिहार में, और गया औरंगाबाद वाले क्षेत्र में तो है ही। तो यहाँ की सर्दी आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अभी मैं कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, तो अभी बनाऊँगी कुछ फ्रूट मिक्सचर ऐसा कुछ। और पढ़ाई वढ़ाई का तो अब है कि अभी मैं एक मूवी देखने जा रही हूँ, श्याम बहादुर, तो वही मूवी देखूँगी अभी, और फिर आज का मूवी नाइट मेरा ख़त्म हो जाएगा। बार बार कंप्लीट होने की बात मतलब मेरे ज़ुबान पे आ जाती है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वैसे मैं बोलने वाली थी कि मूवी कंप्लीट हो जाएगा, तो बस वही है अभी। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, जिसके लिए मैंने सारे फलों को अच्छे से धो के काट लिया है, फिर उसमें दही मिलाया है, और ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। खैर, इससे रिलेटेड शॉर्ट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया भी है, और पहले ही मैंने बताया कि ये जो व्लॉग है जो आप लोग देख रहे हैं अभी, वो मेरे 2 से 3 दिनों के वीडियो क्लिपिंग का रिकॉर्डिंग है। तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में तो है नहीं, आज का वीडियो फिर कल का क्लिपिंग कुछ ऐसा करके मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये शेयर करने के पीछे का मूल उद्देश्य मेरा यही था कि अपने जीवन का नॉर्मल डे आप सभी के साथ शेयर करना था मुझे। तो यहाँ पे बन गया है मेरा रात का भोजन, और मेनली इसमें फ्रूट्स हैं। और बहुत लोगों का कहना होता है कि रात में फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, रात में मुझे अच्छा लगता है और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट है नहीं मेरे पे। तो मेरा मानना है कि सबकी अपनी अपनी बॉडी है और सब अपना अपना अडेप्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं और मूवी देखने जा रही हूँ मैं, अभी अकेले ही देखूंगी क्योंकि कंपनी देने वाली तो सो गई है। और इस चार्ट के साथ एंजॉय किया मैंने श्याम बहादुर मूवी को, और बहुत सारे लोग शायद इस मूवी को ना देखे हों। ऐसा ट्रेंड देखा जाता है इंडिया में कि रियल स्टोरीज पे बनी या रियल हीरोज पे बनी मूवी को ना देखा जाता है, तो ये गलत बात है, ट्रेंड बदलना चाहिए। खैर, बीच में सैटरडे भी पड़ा था तो मैं गई सैटरडे मार्केट, और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ली मैं वहाँ से, सब्जी, फ्रूट्स तो मैं नहीं लेती हूँ, वहाँ अच्छे नहीं मिलते हैं। खैर, उसके बाद नान खटाई का यहाँ पे कुछ स्टॉल लगा हुआ था तो वो मैंने लिया, बहुत ही टेस्टी लगता है, ये बचपन की याद दिला देता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे अपने रूम की क्लीनिंग की करनी है, तो सारे रूम की क्लीनिंग तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सोचा कि टेबल एरिया मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जो वॉलपेपर या जो सीट मैंने लगा रखा था वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने उसे चेंज किया। और इसके आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही है, और यहाँ पे आजकल मैं सॉल्व कर रही हूँ MCQ हिस्ट्री के घटना चक्र से, तो उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बाकी उम्मीद है कि ये व्लॉग आप सभी को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, बाकी वीडियो से स्टडी व्लॉग से हटके था ये व्लॉग। तो फिलहाल के इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।